आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस समस्याओं की जननी, भाजपा समाधान की जनक। दूसरी खबर, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज तो विपक्षियों की हवा ही निकल गई होगी। तीसरी खबर, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को मिली जमानत, मंगलवार को होंगे जेल से रिहा, मांडर से झाविमो के हैं प्रत्याशी। चौथी खबर, भाजपा के कांके प्रत्याशी समरी लाल ने किया नामांकन, उमड़ी भीड़। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड पुकारा, भाजपा दोबारा। विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाल्टनगंज और गुमला में चुनावी जनसभा की। इस क्रम में पीएम मोदी ने डाल्टनगंज के चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुच्छेद 370 और अयोध्या के राम मंदिर को दशकों से लटका कर रखने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस समस्या की जननी है, जबकि भाजपा समाधान की जनक है। भाजपा सरकारें सेवा और समर्पित भाव से काम करती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्होंने भावी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आपकी खूब सेवा की है, एक बार फिर कमल का निशान देखकर बटन दबाइए और भाजपा सरकार बनाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों की पीड़ा समझते हुए अलग झारखंड बनाया, अलग जनजातीय मंत्रालय बनाया, पिछड़ों के लिए ओबीसी आयोग को भाजपा सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, यह भाजपा की सरकार है, सामान्य वर्ग को हमने 10% आरक्षण दिया, सबका साथ सबका विकास के प्रति झारखंड के हर वोटर को आश्वस्त करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 30 नवंबर को सिर्फ एक बात याद रखें, कमल का फूल पर बटन दबाएं और 5 साल तक आपके लिए समर्पित सरकार चलाने का मौका दें। भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या का विवाद भी इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हम समर्पित हैं। एकता के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा करती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ रेवड़ियां बांटनी जानती है, उनके पास समस्या है, हमारे पास समाधान है, उनके पास आरोप है, हमारे पास रिपोर्ट है। उत्तरी कोयल परियोजना को लेकर उन्होंने कभी गंभीर कोशिश नहीं की। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने कभी किसानों की चिंता नहीं की, वे समस्याओं को टालकर वोट बटोरते रहे। भाजपा ने जो वादे किए, जो ऐलान किया, हम जमीन पर उतार रहे हैं। पीएम ने कहा कि झारखंड के लिए गौरव की बात है कि उसने आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग कर पूरे देश को दिशा दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ऐसा एक गरीब भी नहीं रहने देंगे जिनके पास अपना घर ना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले शाम 6 बजे जनजीवन थम जाता था, आज रात भर लोग सामान्य आवागमन कर रहे हैं, यह बड़ा बदलाव है। सरकार ने सबके लिए समृद्धि का रास्ता खोला है। पहले झारखंड में पिछले दरवाजे से सरकार बनती थी, यहाँ के विपक्षी दलों का एकमात्र उद्देश्य है सत्ता भोग, इसलिए एक बार फिर वे आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हवा का रुख बता रहा है कि भाजपा की सरकार एक बार फिर से बन रही है, हम विकास की गति को तेज करेंगे। विपक्ष को यहाँ पहुँचे लोगों को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि सरकार किसकी बन रही है। हम निश्चित ही 65+ के टारगेट को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पीएम मोदी की सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री की सुविधा देकर हमने उन्हें सम्मान दिया है, हमने मंडल डैम शुरू किया है, पलामू में मेडिकल कॉलेज खोलकर डबल इंजन की सरकार ने विकास के नारे को बुलंद किया है। सभा में भारी भीड़ देख पीएम और सीएम समेत तमाम भाजपा नेता उत्साहित नजर आ रहे थे। ये जो जनता की आप रुख देख रहे हैं, विपक्ष के लोग देख रहे हैं कि हवा का रुख किसी तरह है। ये हवा का रुख ही बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 65 बार झारखंड की 3.25 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करेगी। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पूर्व मंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा मांडर प्रत्याशी बंधु तिर्की को झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी। बंधु तिर्की पर 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले और पत्थलगड़ी से जुड़े 2 मामले थे। कोर्ट ने इन मामलों में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि बंधु तिर्की मांडर विधानसभा सीट से झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी हैं। उन्होंने जेल में रहते नामांकन किया था। जानकारी के अनुसार बंधु तिर्की मंगलवार की शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके अधिवक्ता फिलहाल अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटे हैं।
बता दें कि बंधु तिर्की ने 16 नवंबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। तब से वे लगातार जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से उन्हें अब तक किसी प्रकार की राहत नहीं मिली थी। राजा पीटर और कुंदन पाहन को रांची स्थित NIA की विशेष अदालत ने जेल से चुनाव लड़ने की अनुमति दी, जिसके बाद बंधु तिर्की ने भी ACB की अदालत में इसकी अर्जी लगा दी थी। कोर्ट ने बंधु को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। मांडर में बंधु तिर्की के मुकाबले भाजपा के देव कुमार धान हैं। बंधु तिर्की को इसी साल सितंबर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 12 दिसंबर को होना है। इसके लिए सोमवार नामांकन की अंतिम तिथि थी। कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि इस बार कांके से भाजपा विधायक जीतू चरण राम का टिकट पार्टी ने काट दिया है और समरी लाल को टिकट दिया है। इससे पहले समरी लाल ने मोहराबादी स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और वहीं से उनका नामांकन जुलूस निकला। समर्थकों संग व पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे। नामांकन करने के दौरान कांके के वर्तमान विधायक जीतू चरण राम साथ में नजर आए। भाजपा ने उनका टिकट काटकर समरी लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक सवाल के जवाब में समरी लाल ने कहा कि समाज के अंतिम वर्ग से आता हूं। ऐसे भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाना है। इसी का नतीजा है कि वह प्रत्याशी बने हैं। वैसे भी मोदी हैं तो मुमकिन है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।